خمس مشغلات. हेलो, क्या कट क्यों गया था मैडम? वो गलती से हो गया था, मेरे से ही हो गया। मुझे नमस्कार। ऑडियो ठीक करना था, वो मीटिंग एंड हो गई। कल मुझे लगा क्या हुआ तो मैं वापस लिंक पे गई। हाँ, मैं भी इस चक्कर में पड़ गया कि क्या बात होगी, आप हो गया पता नहीं। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। रिचा आ रहे दिव्यांशी, वत्सल, विदुषी, ज्योतिका, नाराज हो जाते हैं। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? मैं क्या हाजिरी कम देख के भी टीचर नाराज हो जाते हैं कि ये बंदे आते ही नहीं। मैं क्या, हाँ और क्या। दिव्यांशी वत्सल तिचे स्टूडेंट, बहुत प्यारे से बच्चे हैं ये दो। विदुषी, ज्योति जी, सारनी हूँ कैमरा गज ऑन आ सुन बेच रोल नंबर इस तो गॉड लेखान तो पत नाव बट रिया इज आल्सो हियर। हाँ, जस्ट राइट योर रोल नंबर एंड देन नेम, जैसे 8 एंड दिव्यांशी लाइक दैट। हेलो प्रिया जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार विदुषी जी। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार जी। दिव्यांशी पनून कैमरा कर ऑन। नमस्कार ज्योतिका जी। गुड गुड, कैमरा इज ऑन। नमस्ते। और फिर अपने मन ले कहना है ना। नमस्ते जी। अच्छा, मुझे आप 2 मिनट दे, मैं प्रीवियस लेसन मैं ओपन करूंगी। आपके लिए आप अपने पास रखिए। आ गया लेसन 9 विजिबल? यस इट इज। ठीक है, होमवर्क सा आर वी सबमिट कर मस्ट टाइम एस्पेक्ट। मैं तो कह चुकी हूं प्रश्न सेम थिंग प्रश्न से दैट इज नमस्कार। सबने होमवर्क किया है? यस यस। ओके, अब मैं पूछूंगी एक एक करके सबसे। हेयर, प्रदीप जी बताइए हेयर का कश्मीरी वर्ड। मस। वेरी गुड। फोरहेड। फोरहेड कल। ज्योतिका जी फोरहेड क्या गाओ? डेक डेक डेक। गुड। डेक डेक कल हेड है। हाँ, कल गो हेड गुड। नोज, प्रिया जी नोज। नस। वेरी गुड। टंग, प्रिया जी ज़ेव। ज़ेव गुड। दिव्यांशी टीथ। दांत। गुड। वत्सल चिन। व्हाट? वेरी गुड वेरी गुड। क्या वो नोट से चिन क्या गा? दांत को बोला ना इसने। नहीं, चिन को। चिन
चेतका क्या बोला वत्सल सिगल रॉन्ग बोला दान हाँ हाँ वत्सल क्या बोला चिनका अभी वो आ ही नहीं रहा वापस कोई नहीं होती है गलती कोई नहीं हाँ, हम सीख ही तो रहे हैं यहाँ पे वत्सल बताओ वोट चिन को क्या बोलते हैं दिव्यांशी सुवन चिन क्या शिवानंद अगर ने पता चाहिए सुवन में चिन पता क्यों चुन परवाह इस पर सब पता चेना पता अच्छा केंचन परवाइस प्रचाव केमिस प्रचाव प्रिया जी प्रचाव प्रिया जी आप बताइए चिन को क्या बोलते हैं हंगन 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 अच्छा वन वन वत्सल क्या चिवनान हंगन क्या चिवनान चिन हंगन हंगन हंग अस्तितन पने हंगन हाँ गुड दिव्यांशी चितवन क्या चिवनान चिनस क्या बनान वत्सल ने शायद होमवर्क कर्मस की ही मैं चुती तरह फिक रही दिव्यांशी चुवन नेकस क्या चुवनन चिन्ह यार हमारा कर्दन कर्दन ज्योतिका जी क्या चुवनन नेकस गर्दन और कर कर गर्दन या कर अच्छा ये रिलेशंस मंजे प्रचाव अकोय चीज आगज चीजेस पेरेंटल अंकल्स डॉटर ते मिस क्या चवनान प्रदीप जी आप बोल सकते हैं हाँ पितुर बेनी पित इन्होंने करेक्ट बोला विदुषी जी इन्होंने करेक्ट बोला पितुर पितुर बेनी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया वर्ड तो ठीक है बट प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो गया अब फिर से बताइए प्रदीप जी क्या बोलते हैं पितुर बेनी पितुर बेनी हाँ पितुर नहीं है तो उन नहीं है पितुर बेनी हाँ और प्रिया जी मैटर्नल अंकल सन मामतुर बॉय करेक्ट अच्छा अब Who are you? Small sentences हैं ये. Who are you? दिव्यांशी. अब क्या बना क्वेश्चन पॉइंट? Who are you? So, Very good. Vatsal. Vatsal Suvan, it is raining. It प्रिया जी इन्होंने ठीक बोला वत्सल ने ठीक बोला इट इज रेनिंग को कैसे बोलेंगे रुचु प्यावन रुचु प्यावान प्यावान वत्सल बेवन क्या छु बनान रुचु प्यावान हाँ रुचु प्यावान Get well soon, Vidushi ji. Jaldi gas theek. It is snowing, Pradeep ji. Get jal gas theek. हाँ जल गस ठीक वो ठीक है. Get well soon का ठीक है जल गस ठीक. It is snowing को कैसे बोलेंगे? Sheen shu pevan. Pevan, very good. Pevan. अच्छा इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी मदर इन लॉ को क्या बोलते हैं डॉटर इन लॉ को क्या बोलते हैं ये इसमें से कोई डिफिकल्टी है आपके कहीं पे कुछ पूछना है ये सारे दोबारा पढ़ने के बजाय भाभी का बॉय काकने काकन
काकन काकन ओके बाय काकन गेम इनमें से कुछ पूछना है कहीं कोई मुश्किल है तो आप बताइए ग्रेट ग्रैंडफादर को क्या बोलते हैं कैसे पढ़ते हैं ये प्रदीप जी बड़ बुढ़े बब बुढ़े बब दिव्यांशी चपारिये ग्रेट ग्रैंड मदर हमारा लास्ट बोल ग्रेट ग्रैंड मदर ना पढ़े नान्य 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 नहीं है नान्य बड़े नान्य बड़े नान्य हाँ नान्य small sentences are you going to Delhi today priya ji aap padhiye ye are you going to Delhi today se chui as Delhi gachan okay pradeep ji aap ye last wala padhiye no I am not going to Delhi ना मैं छू ना आज दिल्ली गच्छू ना न आ ना नहीं है इसको कैसे पढ़ेंगे ना, ना मैं छू ना मैं छू ना आज दिल्ली गच्छू आज ज नहीं है ज के नीचे बिंदी है कैसे पढ़ेंगे अज अज करेक्ट गत सुन छ के नीचे भी बिंदी है गत सुन हाँ It is hot outside today with Vidushi ji. Acha nebalkin garam. Correct. Divyanshi, no, it is not hot outside today. Na. Hot. Chhu na. Garam. Habre. Kehen. Garam. चचक ये परान देवनागरी किन चचक इंग्लिश परान किन हिंदी परान देवांशी आर यू रीडिंग इट इन हिंदी और देवनागरी या मैम ये किन का क्या मतलब होता है न्यबुर किन ये कंजंक्ट टाइप है न्यबुर अकेला अलग मीनिंग देता है न्यबुर किन आउटसाइड दोनों ये दोनों वर्ड्स मिला के आउटसाइड मतलब नेबर मींस आउट एंड नेबर किन मींस आउटसाइड न्यबर एक अलग वर्ड भी है न्यबर अगर किसी को बोलना हो ना गो आउटसाइड उसको बोलते हैं न्यबर नेर तो वहां पे न्यबर अलग तरह से यूज होता है ये आउटसाइड अलग तरह से यूज होता है यहाँ स्पेसिफिक है न्यबर किन 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 को मतलब टुवर्ड्स आउटसाइड हाँ टुवर्ड्स करेक्ट बाद किन ये कौन बोल रहा किन, था अच्छा सॉरी Thank you. अच्छा प्रदीप जी आप ये पढ़िए नो सुरुचि हैज नॉट गॉन टू ऑफिस ना सुरुचि छ ना दफ्तर गामच गामच ना दफ्तर गामच ना न आ ना नहीं है न के नीचे हरचंद्र है ना सुरुचि छ ना दफ्तर गमच गमच वत्सल सुपारी नो नियति विल नॉट गो फॉर पिकनिक टुमारो नो नो नियति छ ना पगा
Sakrat Gasun. Very good. Vatsal, spot on. ये गामच और गच्छुन में सेम मीनिंग है इनके? गामच पास्ट टेंस में आता है या प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा. गच्छुन फ्यूचर में है. नियति विल नॉट गो, ये फ्यूचर में है, इसलिए इसमें न नियति छु न पगा चक्रस गच्छुन. गच्छुन मतलब फ्यूचर में. No, Suruchi has not gone to office. So it is about present. Isme yaha pe isliye daftar gamuts present. Ya past. Meaning, past mein bhi use hota hai. Meaning dono ke ek hi hai. Haan. Gone, go, going, went. Haan, go. To ye gach ka gamuch aage aata hai phir isme. Guts, हाँ, अगर किसी को बोलना है guts never near, guts never near, guts मतलब उसको अभी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं guts, या दफ्तर guts, guts म्यानी काम कर guts, so go, it is like go, go and do this, go outside, guts. Gamuts, ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में भी यूज होता है. No, she did not go to office. Na Suruchi gai usne office gamuts. Suruchi che office gamuts. Suruchi gache office. So future mein alag hi hota hai. Theek hai. Theek hai. Gamuts gache. It is not Sunil ji's birthday today. Riya ji. No, it is not Sunil ji's birthday today. No, us children, Sunil ji's bohrvod. Correct. Divyanshi, she will come herself. Sir, pane. Very good. Vanchi, rhyme ye pare aise sarvi last time. Usko aapka jo WhatsApp group mein usme giliye ka meaning usme post kiya tha, aapne dekha? Yes, it's a bird. Haan. Quail jo hoti hai. Pradeep ji, aapne dekha? Maine nahi dekha ji. Iska bataya tha. हाँ, उसका पिक्चर भी पोस्ट किया है. वो देखा है. हाँ, लेकिन करुणा मैम ने बताया था गिलिये मतलब खूबसूरत औरत. हाँ, वो एज ए सिमिली यूज किया जाता है, बट एक्चुअल जो मीनिंग है गिलिये का वो बर्ड है, क्वेल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में. और ऐसा माना जाता है कि जो इसके गिलिये के एग्स होते हैं वो बहुत टेस्टी होते हैं, इस वजह से ये राइम में उसके एग्स के लिए पूछते हैं. कच्ची ठूलन दिनिफा कोती गच्छक के लिए बेरे बेरे खा केहे करनी के लिए ठूलन दिनिफा कच्ची कच्ची छिए के लिए अक्त पंसा अखा दिते के लिए. उसको अंडे मांगने का पर्पस यही है कि उसके टेस्टी होते हैं एग्स, बट शी डजंट वांट टू गिव, सो शी सेज हराम हबी का, आई डोंट हैव एनी. ठीक है, इसमें हराम का क्या मतलब है? ये एक ऐसे कोलोक्वियल वर्ड यूज किया जाता है जो ये जनरली मुस्लिम्स यूज करते थे. नहीं, वो तो अलग हो गया, तो इसमें यहां हलाल नहीं का अपोजिट वर्ड, हलाल का अपोजिट वर्ड होता है हराम, तो यहाँ पर भी उसी मूड में किया है, बट अब हम उसको एक्सप्लेन उतना नहीं कर पाएंगे. इट्स यूज्ड इन अ फनी वे, यहाँ तो फनी वे में किया है, जैसे हम कहेंगे थम्स अप कि हराम हदीका नहीं देंगे. पर इसमें तो एज ए नो है ना, नो. Negative way.
मैं स्टॉप करती हूँ। वैसे तो हमने हराम बहुत बार सुना है कि ये हराम है, हलाल है, ये सब वही वही उसी का वही चीज है, बट अब यहाँ पर उसको लाइट वे में लिया गया है, नॉट एनीथिंग सीरियस। हाँ, एज ए नो मतलब इंसिस्टिंगली कि श्योरली आई डोंट हैव एनी श्योरली। अच्छा मैं करूँ स्टॉप अप शेयरिंग? ठीक है मैडम। पोइम्स में जनरली यूज किए जाते हैं ना वर्ड्स, उनका आप लिटरल मीनिंग कुछ और होता है, बट वो यूज किया जाता है राइमिंग के लिए। कविता में तो ऐसा ही होता है जी। हाँ यस यस, कविता में ऐसे ही होता है। विदुषी, ज्योतिका, प्रिया, वत्सल, दिव्यांशी, हाँ दीज आर द और प्रदीप जी। हाँ ठीक है, लेट अस स्टार्ट टुडे न्यू लेसन, लेसन नंबर 10 है ये। Can you see my screen? Yes, ma'am. आप होगी तो होगी। प्रार्थना से शुरू करेंगे, सब लोग भी पढ़ो, अपने अपने उसमें पढ़ो, सो दैट भगवती शारदा माँ शारदा हमको विद्या, सबको सबको विद्या की आवश्यकता होती है हर स्टेज पे। ये नहीं है कि हम बूढ़े हैं तो हमको नहीं चाहिए, लाइफ होती है फॉर लर्निंग, सो ऑलवेज प्रे फॉर कि हमको और विद्या बुद्धि मिले। दिस इज ओम नमामि त्वां शारदा देवीं महाभागीं भगवतीं काशिनीं पूर्वासिनीं विद्या दायिनीं रक्षमां रक्षमां नमामि त्वां। आमि पनसदृश नाविठस्लमान कतिबोज दायम्योन मितिदीतार आमेन टाकिन पोंजन शमान जूछुम रमान गर गच्छ। मेरे ख्याल से ये चीजें तो जस्ट फॉर रिविजन है, देयर इज नो नीड ऑफ रिवाइजिंग दीज। हाँ जी ठीक है ना, एंड आई विल गो अहेड। अब ये है रिविजन, रिविजन है पार्ट्स ऑफ बॉडी, फिर अभी तो करा था। हाँ ये सब किया हमने, हो चुका है। You have done everything in revision. अब ये है, let us start today's lesson. These are professional. जो भी profession होते हैं, उनके क्या है नाम? बेकर को कश्मीरी में बोलते हैं कांदुर, बार्बर होता है नईद नईद, ब्लैक स्मिथ होता है खार। आप कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। ऐसा करते हैं अभी हम बीच बीच में कुछ नहीं बोलते हैं, आप प्लीज अपने माइक सब म्यूट करिए ताकि वो जो आवाजें बीच बीच में आती है वो ना आए। एक जब ये पेज कंप्लीट होगा उसके बाद हम बाद में फिर से बताएंगे। बेकर हो गया कांदुर, बार्बर हो गया नईद, ब्लैक स्मिथ हो गया खार, खार तो सिंपल है, राजियर हो गया ठोंठुर ठोंठुर, ब्रोकर हो गया द्राल, बुचर हो गया पुच, कारपेंटर हो गया छान, कॉबलर हो गया बूट वातुल बूट वातुल, कन्फेक्शनर हो गया हलवोई, कुक हो गया वाज, कुली हो गया मजूर, कॉपर स्मिथ हो गया मिसगोर मिसगोर, डाया हो गया रंगुर, फिशरमैन हो गया गार्डहंस गार्डहंस, ग्रेन पाचर हो गया बर्बुज, ग्रोसर हो गया वोन, हॉकर हो गया फेरवोल। हाँ आप किसी को किसी के लिए पूछना है तो यू कैन आस्क। मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा कठिन शब्द है बोले, पुटवातुल है एक और मजूर है और गार्ड हंस है, बाकी तो एज गुड एज हिंदी प्रोनाउंसिएशन है, देयर इज नॉट मच डिफरेंस। फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना मुझे हां जी मैम, जैसे ये है ना ये सेकंड वाला, हां नोइड, हां
मुझे आज तक पता, आज तक पता था नविद होता विद विद, तो मैंने ये अब मेरा करेक्शन हो गया नविद, तो मैं बोलती थी नविद वो बोलने में नविद ही हो जाता है, मैं भी बोलती हूँ वैसे ही, लेकिन है ये नविद। वहां पर श्रीनगर में एक जगह का नाम था नई दियार। हाँ नई दियार, तो इसलिए मैंने यहाँ याद दिलाया दैट वाज नई नई दियार, वो मुझे लगता है शायद वहां रहना वारी से था, आई एम नॉट श्योर। ये ब्रेजियर पता है सबको क्या होता है? ब्रेजियर कॉन्टूर, जो बर्तन बनाते हैं, जो बर्तन बनाते हैं, हथेरा हिंदी में एग्जैक्टली। हाँ लेकिन जो ब्रास के बर्तन बनाता है उसको खास तौर से बोलते हैं ठोंठुर, जो ब्रास के बर्तन बनाता है, तो इसलिए ब्रास से निकला ब्रेजियर। हाँ याद रहेगा बहुत इजीली, ठोंठुर ठोंठुर ना ठा नहीं ठा ठा ठोंठुर। अब है ये जेस्टर हो गया मस्खर, मस्खर मेसन हो गया द सिल, द सिल मिल्कमैन हो गया गूर, वाटर हो गया क्राल, स्वीपर हो गया वातुल। एक बार फिर से मस्खर द सिल गूर क्राल वातुल। अब ये है सिंगुलर एंड प्लूरल। मैम एक जगह रीड किया था दैट फ्रूट सेलर इज कॉल्ड मनी किनन बोल, इज इट राइट? फ्रूट सेलर मनी किनन बोल, म्याव किनन बोल, म्याव होते हैं फ्रूट्स और किनन बोल हो गया बेचने वाला। ओके ठीक है, अब ये सिंगुलर और प्लूरल्स हैं। सबसे पहले है पहला वर्ड है विंडो, विंडो होती है दर, और अगर ज्यादा होंगी तो प्लूरल हो गया दारे। वाटर जा हो गया नर, नार नहीं नर, तो प्लूरल हो गया नारे। किचन गार्डन हो गया वर, हो गई मिनी हो गया वारे। कैट हो गई ब्रर, मिनी हो गई ब्रार और ब्रार, और ब्रोर होता है बिल्ला, तो उसका प्लूरल हो जाएगा ब्रर, ब्रोर और ब्रर, और यहाँ है ये ब्रर और ब्रारे। मैना हो गई हर, अर्ज और हारे। अर्दन पॉट हो गया वर और वारे। अनइंटेलिजेंट हो गया चर, चर और चारे। मैम ये किचन गार्डन एंड अर्दन पॉट आर सेम? दोनों किचन गार्डन हो गया वर। हाँ अब ये अब जब सेंटेंस में यूज होगा तब पता चलेगा डिफरेंस। मैं कहूंगी अगर मैं छु जामदोद छु वारी मंस, है ना, तो हो गया कि मेरा जो मिल्क है जामदोद है, जामदोद मींस कर्ट, वो मेरी वारी मंस है अर्दन पॉट में। लेकिन अगर मैं बोलूंगी कि आई हैव टू गो आउट फॉर वेजिटेबल्स, बगस वारी मंस सब्जी अन्य, तो अपने आप पता चला वो वर और ये वर। वर ओके मैम, विद सो मेनी वर्ड्स सारी उनका डबल यूजेज है, बट सेंटेंस से तुरंत पता चल जाता है कि व्हाट इज द वर्ड। नेक्स्ट है फिर अनइंटेलिजेंट हो गया चर, पाइन हो गई यर और यारे, चर चारे यर यारे। ऑल हो गई अर, ऑल अर जिससे वो करते हैं एम्ब्रॉयडरी वगैरह, और आर्य। नेक हो गई कर, तुम लोग पढ़ चुके हो, और अगर ज्यादा हो गई कार्य नहीं आएगा, वो हो गई कर, कर और कर कार्य नहीं। मर हो गई मर, नॉट नॉट मारे। ठीक है क्लियर? इसी तरह से थोड़े से और वर्ड है, क्यूकम्बर हो गया लर, सेम रहेगा इसका बहुवचन नहीं हो जाएगा, मैनी नहीं हो जाएंगे लारे, ये हो जाएगा लर। लर अगर ज्यादा है तब भी बोला जाएगा लर,
होते हैं और लैंग्वेजेस में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका बहुवचन भी या प्लूरल भी सेम होता है. लर लर, अर अर, प्लम, और टायर होता है टर टर टर. इनका सेम रहेगा, इनका प्लूरल नहीं कोई बदल जाएगा. अब नेक्स्ट है ही वॉक्स छुपाकान. ही वॉक्स छुपाकान, सिंपल है, कोई इसमें फर्क नहीं है. ही वॉक्स, अब आया यहां पर शी, शी का हो गया स्वच्छ पकान या स्वच्छ पकान, दोनों चीज बोली जाएगी. ही इज वॉकिंग स्वच्छ पकान, शी इज वॉकिंग स्वच्छ पकान. ही वॉक्ड सुपोक, सुपोक. She walked the perch. He walked the perch. He was walking the os pakan. थोड़ा कश्मीरी जो ग्रामर है थोड़ा डिफिकल्ट है. ये जो हम लोग को ऑटोमेटिकली जो बच्चे करते हैं प्रैक्टिस में हो जाता है, लेकिन तुम लोग को थोड़ा सा इसमें लगेगा सोचने में टाइम कि पास्ट क्या था फ्यूचर क्या था, लेकिन होते होते सीख जाओगे. He walked the perch. He was walking so aspakan. She was walking so aspakan. Past continuous, the past perfect. Past. He will walk so paiki. He will walk, she will walk so paiki. He will be walking so aspakan. He will be walking so aspakan. She will be walking so aspakan. They are walking. अब आया मिनी प्लूरल आए ज्यादा आए. तिमछे पकान. They are walking. तिमछे पकान. They walked. तिमपक. देखो कितना डिफरेंस आया, सब में फर्क आ गया. तिमपक. लेकिन अब आप जब इसको रिवाइज करोगे समझोगे अपने आप समझ आएगा और समझ मतलब आप लोग फिर लर्न करोगे. फिर मैं एक बार रिपीट करूंगी. स्वच्छ पकान. He walks. She walks. स्वच्छ पकान. He is walking. स्वच्छ पकान. She is walking. स्वच्छ पकान. He walked. सुपोक. She walked. सपच. He was walking. ओस पकान. She was walking. ओस पकान. He will walk. सुपाइके. She will walk. सपाइके. He will be walking. आस पकान. She will be walking. So, आस पकान. They are walking. तिमछे पकान. They walked. तिमपक. कुछ पूछना है? मैम अगर वॉक के बजाय जैसे टॉक है तो उस वर्ब के पीछे भी ऐसे जैसे आन लगेगा तो इट मींस कंटिन्यूस. जब हाँ बिल्कुल होगा, फर्क तो आएगा ही ना. अब मान लो हम उसको चेंज करेंगे. क्या 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 बोला तुमने वर्ब? टॉक. Talk, he huh? talks. He talks. कुछ बोला. वनान या बोला दोनों चीज आएंगी. कुछ वनान कुछ बोला. She walks. स्वच्छ वनान या बोला. वनान बोला. वनान ही आएगा. वनान. She is walking. स्वच्छ वनान. अब यहाँ पर कहाँ चेंज हो गया? पाइके. अब जैसे वो he will talk. स बोले या स वाने आएगा ऐसे ही. She will talk, so बोल या so वाने. फिर किसमें आया चेंज? They walk, तिम वनन. तिम वनन या तिम बोलन. They are walking, तिम छ पकान. They are talking, तिम छ बोलान. तिम छ वनान. ठीक है, सेम रहेगा. थोड़ा बहुत कभी हो जाता है क्योंकि वर्ड्स में कभी कभी अंतर हो जाता है उनको टेंस बदलने में, लेकिन मोस्टली सेम रहेगा. दे आर वॉकिंग तिम अस पकान. दे आर वॉकिंग तिम अस पकान. दे विल वॉक तिम पकन. दे विल वॉक तिम पकन. दे विल बी वॉकिंग तिम आसन पकान. तिम आसन पकान. अब देखो ग्रामर में क्या लिखा है. ग्रामर वर्ब रीड.
कैन यू मेक ऑल द अबव सेंटेंसेस विद द वर्ब रीड, जैसे अभी तुमने बोला था. दिस विल बी योर होम असाइनमेंट, मेक एज मेनी एज सेंटेंसेस एज यू कैन एंड वी विल आस्क यू दैट नेक्स्ट नेक्स्ट वीक. नो नीड टू सेंड इट टू कुसुम जी, वो अगली बारी हम पूछेंगे लेसन में, ठीक है. अब आई पॉइम आई वे फिर से वापस. कोते गच्छ गिलिये, कहाँ जाओगी गिलिये, तुम जो सुंदर बर्ड हो तुम कहाँ जाओगी. बेर बेर खा, इसमें खा हो गया खेत, बेर बेर जहां से खेत में ऊंची जगह होती है. बेर बेर खा के है करने के लिए, व्हाट आर गोइंग टू डू देयर. ठूलंदी ने फा अंडों को सेकने के लिए वहां जाऊंगी. तसीची गिलिये, कितने हैं तुम्हारे अंडे. ये कहती है 1 से 50 तक है. अख्त पंसा, ये यहाँ पर सेट किया गया है पॉइंट के हिसाब से. अख्त पंसा हो गया, वैसे में बोलने में अलग चीज हो जाएगी, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल लगता है कि 1 से 50 तक की बात है. अखा देते गिलिये, प्लीज गिव मी वन. आराम हबीका, मेरे पास तो कुछ नहीं है, आई हैव गॉट नथिंग. ये तो थी पॉइंट. आई थिंक दिस इज ऑल टूडे. बट अब इसमें क्या है, इसमें जो है इसको पढ़ने की जरूरत है. इनको बोलते हैं सबको दो दो तीन तीन वर्ड्स पढ़ेंगे शुरू से टॉप ऑफ द लिस्ट. वापस ये लेसन, आज के लेसन में दो दो तीन तीन वर्ड पढ़ें सब लोग. हाँ प्रदीप जी शुरू करिए, तीन तीन वर्ड सब पढ़ेंगे. बेकर, बेकर कांदूर, करेक्ट. बार्बर नाइद, करेक्ट. ब्लैकस्मिथ खार, वेरी गुड. दिव्यांशी, थानठुर, थानठुर, करेक्ट. ब्रोकर, द्रल, द्रा, द्राल. देखो बेटा इसमें चंद्र नहीं लगा है ना, अगर चंद्र लगा होता तब हम बोलते द्रोल, लेकिन आ के हिंदी वाली मात्रा है, सिंपल है, आ है, इसलिए सिंपल जैसे हिंदी में पढ़ोगे वैसे ही है द्राल, ठीक. द्राल, गुड. पुज, करेक्ट. वत्सल, कारपेंटर. चान, करेक्ट. कॉबलर, चाहन, छान, बूट वाला, कॉबलर, बूट बातुल, दोस्तल छा के, जो के नीचे कुछ है, बोलो बूट, बूट, बूट वातुल, करेक्ट, बूट वातुल, वेरी गुड. हलवोए, हलवोए, करेक्ट. प्रिया जी नेक्स्ट तीन वर्ड्स. कुक, वाज, कुली, मोजूर, मोजूर, जूर है ना, जूर है, मोजूर, वो नहीं है, ओ है, मोजूर, मोजूर ना, मो नहीं, मो शॉर्ट है, मो, मोजूर, जूर. कॉपरस्मिथ, मिस गोर, मिस गोर. वसुधा जी, डायर, रंगूर, फिशरमैन, गार्ड, हंस, हंस नहीं, हंस, 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 गार्ड, हंस, गार्ड, हंस. नेक्स्ट, हाँ ये तीसरा भी पढ़िए. ग्रेन पाचर, बरबूज, 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 बरबूज. नेक्स्ट ज्योतिका जी, ग्रोसर, वोइन, हॉकर, पेरवोल, जेस्टर, मस्खर. कौन कौन रह गया, किसी ने नहीं पढ़ा हुआ. विदुषी जी, हाँ आप पढ़िए.
Mason, Dressel, Milkman, Boor, Bottle is Kral. Last one अभी यहाँ पर ही है. पर बातों. बातों. अच्छा. अब हम next जाते हैं. इसमें आपने सबने noticed किया इसमें सब का last में same आता है sound. पहला वाला ही सिर्फ चेंज होता है. दर, नर, वर, ब्रर, हर, चर. इसमें मुझे लगता है मुश्किल नहीं है कुछ भी. ये इजी है सब. आगे जा आगे बढ़ते हैं. करना चाहिए आप स्क्रॉल करिए. किसी को कुछ पूछना है तो प्रदीप जी आपको कुछ पूछना है तो पूछिए. मैं क्या सिंगुलर प्लूरल एक जैसा ही है. हाँ मतलब मुश्किल नहीं है इसमें कुछ. वर वारे चर चारे. ठीक है आगे बढ़े फिर. ठीक है. इसमें सिर्फ याद रखना है जैसे इंग्लिश में शीप का शीप ही रहता है फिश का फिश ही रहता है प्लूरल में भी. इसमें भी ये एक्सेप्शनल वर्ड्स है कुकम्बर प्लम और टायर. इसमें सेम रहता है सिंगुलर और प्लूरल चेंज नहीं होता है. फिर हमें आगे है पढ़ना ही वॉक्स. ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ये ही वॉक्स शी वॉक्स जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं टेंसेस प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट फ्यूचर टेंस फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस. उसमें जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी में हम चेंज करते हैं सेंटेंस को उसी तरह से कश्मीरी में भी चेंज होता है. इंग्लिश सेंटेंस से आपको पता चलेगा टेंस क्या है. उस हिसाब से फिर आपको समझ आएगा कि कश्मीरी में जब वो टेंस यूज होता है तो किस तरह से यूज होता है. ही वॉक्स सुचु पकान शी वॉक्स ये प्रेजेंट. ही इज वॉकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस सुचु पकान. सो He walks or he is walking में फर्क कुछ नहीं है जब आप कश्मीरी में बोलते हैं. मुश्किल है थोड़ा फ्यूचर टेंस में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उसमें थोड़ा अलग अलग. बाकी प्रेजेंट और पास्ट में कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है. जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आ जाएगा. इसमें इजीली आप रीड इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ही वॉक्स ही रीड्स सुचू. अब रीड का कश्मीरी वर्ड क्या है प्रदीप जी. पर हाँ पर को हम कैसे बोलेंगे. ही इज रीडिंग कैसे बोलेंगे कश्मीरी में. ही सुचु विची किताब परुन परुन परान. यहाँ देख हाँ यहाँ देखो पकान है ना इसी तरह से वो परान हो जाएगा. अच्छा परान. अब मैं कुछ जैसे मैं कुछ वर्ड्स का एग्जांपल बोलूंगी. ख्यावान चवान पकान परान इस तरह से आन आन हो गया प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों में सेम हो जाएगा. ऐसे यहां पर है ना पकान. हाँ जी हाँ जी. इसी तरह है परान या खाते हैं तो ख्यावान सोते हैं तो शंगान. तो कंटिन्यूअस की बात है और प्रेजेंट टेंस की बात. परुन नहीं परान. परान पा उरान परान. अच्छा अब इसमें एक एक ट्रिकी सेंटेंस है. ही वॉक्ड ही रेड ये कैसे कश्मीरी में बोलेंगे. इसमें सु नहीं आएगा. तेम पोर है ना. वही मैंने कहा ना थोड़ा ट्रिकी है. थोड़ा कश्मीरी जो ग्रामर है थोड़ा डिफिकल्ट है. अब आप ये जब आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे अपने आप फिर आ जाए. इसको सीखना है समझना है और ट्राई करना है. नेक्स्ट लेसन में पक्की. हाँ पक्की. हाँ इसी तरह जैसे ये पक्की. अगर खाने का है तो खेई पीने का हो तो चेई पढ़ने का हो तो पर वो फ्यूचर में है. हाँ फ्यूचर का है जैसे इसमें है ना पाकी. She will walk. She will read. सोपारी. He will read. सुपारी.
इसमें किसी को कुछ पूछना है? पकान प्राण परान बोलिए, प्राण नहीं, प प को थोड़ा अलग कर दीजिए, प और रान परान परान, पहले अलग प फिर रान, प रान परान परान परान। ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं दो दो तीन तीन आपको प्रैक्टिस के लिए? हाँ प्रैक्टिस करिए जी। वॉक्स, चलिए प्रदीप जी आपसे ही शुरू करते हैं। ही वॉक्स। सुछु पकान। शी वॉक्स। सोची पकान। सोच पकान। ही इज वॉकिंग। सुछु पकान। प्रिया जी आप पढ़िए नेक्स्ट। शी इज वॉकिंग। सोची पकान। मैम तो शी वॉक्स और शी इज वॉकिंग में कोई अंतर नहीं है? नहीं उसमें कोई, वो सेम रहेगा, वो सेम रहता है, या ये याद रखने वाली बात है, इट इज सेम। ओके ओके। ही वॉक्ड। सुपक। शी वॉक्ड। सुपच। पच। पच। दिव्यांशी। ही वॉज वॉकिंग। सु उस पकान। करेक्ट। शी वॉज वॉकिंग। पर सु उस पकान। तो उस पकान। ही विल वॉक। वत्सल। पक्ष विल वॉक। सो पक्के। पक्के। सो पक्के। हाँ क इकी छ ना क पक्के। He will be walking. So, supakan. Kya chu banan? So, aam. Jaise aam aam kaise padte hain? Aam aam. Aase aase isse aase. Aase pakan. He will be walking. So, sir, pakan. They are walking. Tim ch pakan. Pakan, very good. Vidushi ji. Tim pak. They were walking. Tim was pakan. Very good. They will walk. Tim pakan. Last wala bhi aap padhiye. They will be walking. Tim asan pakan. चलो वन बाय वन सबसे पोइम करा दो, थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन में हो जाएगा। मैडम जी ही वॉक्ड, ही वॉक्ड में फर्क क्या? किसमें? फिर से बोलिए, ब्रेक हो गया। ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड। सपोच सपोच सुपोक फर्क है। सपोच सुपोक नहीं, इसमें छोड़ है थोड़ा पे है और बे करूं स्क्रॉल ऊपर पोक सपच। हाँ ये मतलब इधर पोक आया, इधर पच आ गया। ये तो वो स्त्रीलिंग है ना, वो फीमेल है, इसलिए पच आएगा।
नहीं, पकान तो सबके लिए एक ही है, यही तो समझने की बात है, यही तो समझ सीखना है, लर्न करना है, हर लैंग्वेज में ऐसे ही होता है। पोक पच, ठीक है ठीक है। चलो सब लोग वन बाय वन प्रदीप जी से शुरू करिए। कोटिक अच्छा प्रदीप जी आप शुरू करिए। कोतु गच्छक गिलिये वेरी वेरी खा, पहला पहला वर्ड पढ़िए फिर से। कोतु कोत गच्छक गिलिये कोतुई कोतुई तो उतु है ना, तो उतु या कोतुई गच्छक गिलिये गच्छक गच्छक छ में बिंदी है गच्छक। हाँ गच्छक गच्छक गिलिये वेरी वेरी खा, पूरा पढ़ो। हाँ आगे पढ़िए। हाँ जी पूरा पढ़िए सब, आप पूरा पढ़िए। केहे करने के लिए ठूलन दिनी फा, गुड। हाँ कच्चे छिपे के लिए कसुई कसुई कसुई, कंचे कंच कच्चे कसुई, अलग अलग पढ़िए, अलग अलग पढ़िए पहले। कच्चे छिपे के लिए अख तू पंचा, अखा दिते के लिए राम अभी का, ये का है जा का है, का बिंदी नहीं होनी चाहिए थी, का नहीं, नहीं है। हाँ वही बिंदी है ऊपर, वो नहीं होनी चाहिए, का मींस 11। हाँ मगर ये चाहिए नहीं, का सॉरी का ही है, का ही है, का ही है, का नहीं है, का है, का मतलब नथिंग, बिंदी नहीं होनी चाहिए, नहीं है है बिंदी है, कहाँ अच्छा कहाँ कहाँ आवाज नाक से, हराम अभी कहाँ, हराम है भी कहाँ, कहाँ कहाँ मतलब नथिंग कुछ भी। अच्छा चलो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, प्रिया जी। ओके आई ट्राइड रिमेम्बरिंग दिस, सो यू कैन चेंज द स्क्रीन, आई ट्राई। ओके दैट्स ग्रेट। कोत गच्छक गिलिये बेरी बेरी खा, केहे करनी गिलिये ठूलंदीनी फा, कच छिये गिलिये अख ते पंचा, अखा दिते गिलिये हराम हबी का। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत वेल डन। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, अदरवाइज यू हैव डन वेरी गुड, सब याद है, वेल डन। हम लोग सोच रहे थे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेरी बेरी खा, सो वी थॉट दैट मे बी इट इज वार वार खा, इज समथिंग टू डू विद टेलिंग कि धीरे धीरे खाओ आप, सो दैट वेंट रॉन्ग, दैट वेंट रॉन्ग। वो बोला था ना वो खा मींस खेत, जहां पर खेत होते हैं, खेत के अंदर बेर होती है जिसके ऊपर से चलते हैं, जहां बुआई नहीं होती है, बॉर्डर्स। ओके दैट इज बेर। ओके विदुषी जी। गिलिये बेर बेर का बेर बेर खा, केहे करने गिलिये ठूलन देने फा, कच्चे छिये गिलिये आख तो पंचा, अखा देते गिलिये हराम है भी का। बहुत अच्छा, वेरी गुड दिव्यांशी, वेरी गुड, आपने पूरा परफेक्टली ठीक से पढ़ा। ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं कि बहुत अच्छी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी। दिव्यांशी लैंग्वेज में प्रैक्टिस की जरूरत होती है। दिव्यांशी चलो। होते कसक ओतुई लिए दी बेरी खा, केहे करन के लिए ठूलन दिन फा, ऐसे छ के लिए पंसा, अखा दित्य के लिए राम हबी कहाँ, राम हबी कहाँ। हाँ तो पर गौण्यक गौण्यक से लाइन पर तो बे कोतुई कोतुई गच्छा के लिए सुपर ठीक पर कोतुई कोते कोतुई कोते
ठीक है, ये आप कर रहे प्रैक्टिस ये कोतुई तो उतु दोइमिस क्लासेस में प्रोफेसर सारी को गढ़ने दिव्यांशी ठीक है बेटा वत्सल और दिव्यांशी से सबसे पहले पूछेंगे लर्न वेल वत्सल तुझे बाकी लोग भी जल्दी जल्दी पढ़ से वत्सल वत्सल फटाफट पढ़ो कुत्ते गसे गिली है बेरी बेरी का हाँ कैरिन गिली है टूलन दिने फा कसे कसे चढ़ली है अत पंसा अखा दिते गिली है हरा हबी का वेरी गुड वन कर जाओ दशवे दिव्यांशी वत्सल कर जाओ प्रैक्टिस आत नेक्स्ट लेसन गैस वो ठीक वर्ता गुन ठीक चा जितना इस पोइम को करोगे उतनी प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगी करेक्ट हो जाएगी ठीक है ज्योतिका जी चो तगान इसलिए चो ज्योतिका जी चे एग्जेम्प्ट अनलेस शी वांट्स टू रीड इट ज्योतिका जी आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए विदुषी जी ने पढ़ा यस मैम ओके और कुछ पूछना है किसी को कुछ किसी को कुछ पूछना है यू कैन आस्क मैम पक्सा मींस चलो व्हेन समवन सेज पक्सा पक्से 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 यस पक्से जनरली चलो चलो जल्दी करो उस तरह से यूज होता है ओके आई हैव हर्ड माय मदर इन लॉ टेलिंग माय किड्स पक्सा पक्सा सो अभी मैंने भी इसको बोला ना दिव्यांशी को पक्से पर्से जल्दी चलो जल्दी पढ़ो इस तरह से ओके अरे फिर क्लोज आज का इज दैट गुड ठीक है मैम ओके चलिए फिर हाँ पढ़ने की प्रैक्टिस करना ये च ज थ इनका इनकी प्रैक्टिस ये इसकी वो बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये जो नीचे चंद्र आता है उसकी प्रैक्टिस जो ये हो जाएगा तो आप लोग की जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही हो जाएगी ठीक है ठीक है जी चलिए फिर आज क्लोज करते हैं ठीक है जी okay. नमस्कार गुड डे और गुड वीक लेट अस मीट नेक्स्ट वीक बटवारे तो मेलो बटवार दो नेक्स्ट बटवार मेलो दो में बटवार मेलो ठीक छ बटवार हमारा बटवार के सैटरडे बटवार मेलो हां बटवार दो बटवार मेलो बटवार तो थैंक यू सारनी नमस्कार ठीक छ नमस्कार थैंक यू मैम थैंक यू सो मच